नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का मैं विपिन फोगाट स्वागत करता हूं। इस वक्त चरखी दादरी में नई अनाज मंडी में करमबीर नांधा के आवास स्थान पर हम मौजूद हैं और आप एक बार तस्वीरें देख सकते हैं। यहां बीजेपी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी पहुंचे हैं। उनका स्वागत करने के लिए सैकड़ों लोग फूलमालाओं के साथ पहुंचे। लोगों ने बीजेपी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर नायब सैनी को बधाई दी और पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान भी किया। इस दौरान बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता व पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी ने भी गर्मजोशी के साथ नायब सैनी का स्वागत किया। नागरिक अभिनंदन के अंदर चरखी दादरी के लोगों ने जो सम्मान जो प्यार दिया है, मैं उससे अभिभूत हूँ कि 2024 के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें यहां से जितवा करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का हम काम करेंगे और हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनाने का काम करेंगे। मनोहर लाल जी ने गुड गवर्नेंस के अंदर वो जबरदस्त काम किए हैं कि जिनका कोई तोड़ नहीं है, जिसको देश के अन्य राज्य भी फॉलो कर रहे हैं और फॉलो करके उसको अपने राज्य के अंदर लागू करने का काम कर रहे हैं। उसका उदाहरण भी हमारे सामने आया कि प्राणी प्रबंधन के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, उसका जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, ऑर्डर दिया है और अपने नजदीक के राज्य को नसीहत दी है कि आप हरियाणा से सीखिए जो पराली प्रबंधन के अंदर उन्होंने काम किया है और उसको लेकर के, क्योंकि मनोहर लाल जी की सरकार चाहे बिना पर्ची के बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने की बात है, चाहे बीपीएल कार्ड बनाने की बात है, चाहे आयुष्मान के कार्ड के साथ चिर आयु को जोड़ने की बात है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो केंद्र की योजना आती है उस योजना के अंदर इजाफा करके उसको बढ़ा करके लोगों तक पहुंचाने का काम मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। इन सब बातों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाकर के 2024 में ये डबल इंजन की सरकार बने और नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये बने, इसके लिए हम लगातार लोगों को मेरे से जो हमारी पार्टी की एक टीम है उनसे मैंने बैठना है। अभी तो मैं लोगों के आशीर्वाद लेने के लिए जिला जिला के अंदर जा रहा हूँ। मेरे पास आज ये 17वां जिला है, 3-4 जिले और शेष बचे हैं और उनके अंदर भी जल्दी जा करके उसके बाद जो भी दिशा निर्देश होंगे, क्योंकि हमारे सभी कार्यकर्ता सभी मजबूत हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का एक ये दायित्व होता है, उस दायित्व का निर्वहन हम मिलकर के जन के साथ करते हैं और जैसा भी दिशा निर्देश होगा उसके अंदर काम करेंगे। अभी तो कोई ऐसा विषय मेरे सामने नहीं है। गठबंधन को लेकर के संशय नहीं है, गठबंधन हमारा चुनाव के बाद का हुआ है और केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला देगा वो हमारे सर माथे है, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी है। जैसा भी केंद्र का दिशा निर्देश होगा उसको फॉलो करेंगे, परंतु हमने सीटें तो 10 जीतनी है। हमने कमल का फूल खिलाना है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है और लोगों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक बड़ी श्रद्धा है। श्रद्धा काम किए हैं, आधार कार्ड में कमी थी, किसी के बैंक खाते के अंदर नाम गलत था, उसके कारण बुजुर्गों को दिक्कत आई। विपक्ष ने उसका दुष्प्रचार किया और दुष्प्रचार किया कि ये तो पेंशन बंद कर रहे हैं, परंतु मनोहर लाल जी ने पेंशन उसको दुरुस्त करके आज बुजुर्गों के खाते के अंदर डायरेक्ट पैसा पहुंच रहा है। एक भी बुजुर्ग हरियाणा के अंदर ये नहीं बोलता कि मुझे पेंशन नहीं मिल रही, उसके खाते के अंदर जाती है और 3,000 रुपया 1 फरवरी से करने का बढ़ाने का काम भी मनोहर लाल जी की। देखिए, क्योंकि उसका अपना मत हो सकता है, उसने अपने तरीके से क्या बात कही है, क्या नहीं कही है, उसको क्या लगा है क्या नहीं लगा, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, परंतु उसका अपना मत है, अपना बयान है, पार्टी से कोई उसका नहीं है। देखना, पंचों के 5 राज्यों में कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हैं, नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम है कि लोग कमल का फूल खिलाए। कोई गुटबाजी नहीं है, हमारे सभी नेता एक मुट्ठी के अंदर हैं, सभी एकजुटता से काम कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर तो मंच पे नहीं बैठ सकते दो नेता इकट्ठे, जूतम प्ले तो जाता है जनता के सामने, ऐसी स्थिति है। और हमारे पास तो मजबूत संगठन है, कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, आजकल वो गारंटी देते फिर रहे हैं कि हमें वोट दीजिए हम ये गारंटी देंगे, हमें वोट दीजिए हमें ये गारंटी देंगे। अरे, युवाओं का विश्वास उठ चुका था कांग्रेस सरकार के ऊपर से कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो चक्कर काटने से मिलेगी, परंतु ये विश्वास अगर किसी ने कायम किया, ये मनोहर लाल जी ने कायम किया कि नौकरी पढ़ने से मिलेगी, ये चक्कर काटने से।